आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार भारती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दहेज मुक्त और बाल विवाह कार्यक्रम को चलाकर समाज से दहेज रूपी कलंक से मुक्त कराने का प्रयास जारी है। इसी को देखते हुए जदयू विधायक अमरनाथ गामी ने अपने भतीजे संकेत गामी का दहेज मुक्त तथा सादगी पूर्ण विवाह लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में सम्पन्न कराया गया। आज मिथिला की धरती दहेज रहित शादी की बनी साक्षी। नहीं, इच्छा तो मरी है। जो हमारे घर में जो फजूल खर्चे हो जाते हैं, जैसे बैंड बाजा, बिजली, खाना का बड़ा से बड़ा पकवान, अच्छा से अच्छा पकवान होता था, उसमें फजूल खर्चा होता था। तो ये नया दिशा जो बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं कि दहेज मुक्त शादी, तो हमारे चाचा जी के द्वारा ये प्रस्ताव आया। हम लोग अपने प्रस्ताव को स्वीकार किए और अपनी इच्छा को मार के, क्योंकि ये इनका जो प्रस्ताव था वो इच्छा को मारना पड़ा, और इससे बहुत अच्छा ही प्रस्ताव था, उससे उत्साहित होने वाला प्रस्ताव था कि हम लोग दहेज मुक्त शादी करेंगे और बिना बाजा का शादी करेंगे, आराम से जाएंगे, समाज को एक नया दिशा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर दहेज मुक्त और बाल विवाह के विरुद्ध जो अभियान चला है, उससे प्रेरित होकर हम अपना भतीजा का शादी दहेज मुक्त करने जा रहे हैं। और दहेज मुक्त ही नहीं, आडंबर मुक्त विवाह होगा। किसी तरह का तामझाम नहीं होगा, बैंड बाजा नहीं होगा और झाड़ और रवाइश का इस विवाह में उपयोग नहीं होगा, और पूर्ण दिन में शादी होगा और मेहमानों को केवल अल्पाहार दिया जाएगा और किसी तरह का आडंबर इस विवाह में नहीं होगा। और मेहमानों से खास आग्रह होगा, आपकी उपस्थिति ही वर वधु को आशीर्वाद है, उपहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य कि समाज में जन जागृति आवे और हम जैसे और लोग इससे प्रेरित होकर इस तरह का विवाह को आगे बढ़ावे। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा सीटीवी मिथिला न्यूज के डायरेक्टर सुनील कुमार भारती को मिथिला पत्रकार मंच के प्रमाण पत्र से नवाजा गया। ठाम जाए हम सब सिंघे तहा कहावी, दुर्दांत हो सब ठा केवल अहा के डर हो, जग भरि सुनी नचारी तिरहुति महेश वाणी, सपैछि तहु पर यही देश केर भाषा, ओ भेषहुक असर हो पसरे एत यथोचित। आज मिथिला और मैथिली की दशा दशा पर चिंतन, मनन और संकल्प के लिए आहूत की गई है। इस अवसर पर स्वर्गीय पत्रकार दिवंगत विनय तरुण के सम्मान में, याद में हम लोग एकत्रित हुए हैं तथा इस क्षेत्र में मिथिला मैथिली के को लेकर कलम चलाने वाले कलमकारों को सम्मानित करने का काम संस्था ने किया है। हम इसके लिए प्रतिहस्त जी को कोट से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह करें ताकि मैथिली मातृभाषा और मिथिला का नाम जग में हो और हम अपने खोए हुए गरिमा को पुनः प्राप्त करें। मैथिली परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे अति प्रसन्नता है कि दरभंगा के जागरूक पत्रकारों के द्वारा आज मिथिला राज्य की मांग जगह जगह पहुंच गई है। इसी में एक थे विनय तरुण, जो कि हिंदुस्तान में काम करते थे और बहुत यंग आयु में वो 28 साल के मर गए। तो हमारी संगठन की एक इकाई है मिथिला पत्रकार मंच, जिसके अध्यक्ष श्री चौधरी जी ने अभी आपको संबोधन दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें युवा पत्रकार मिथिला के काम में जुटें और जुट करके काम करें, ये उनका क्षेत्र है। पत्रकारिता अपने जगह पर है, पर पहले वो मैथिल हैं और इसके बाद, और हमने इस तरह के करीब 2 दर्जन आनुषांगिक संगठन बनाए हैं व्यावसायिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, अधिवक्ता क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में। कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि मिथिला जैसे भारत का कभी गौरव भाल था, फिर से गौरव भाल बने। मैं धनाकर ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के बाजितपुर पंचायत भवन पर वार्ड पार्षद का आकस्मिक निधन से जनप्रतिनिधि के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। हमारे पंचायत अंतर्गत वार्ड 6 की जो वार्ड सदस्य थी,
वो सामान्य उनकी घर पर सामान्य मृत्यु हो गई, तो उन्हीं की आत्मा के शांति के लिए हम सब समस्त पंचायत प्रतिनिधि मौन व्रत आज रखें जो उनकी आत्मा को शांति मिले। बाजितपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड 6 की सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आत्मा के शांति के लिए हम पंचायत के तमाम प्रतिनिधि एकत्रित होकर के उनके आत्मा की शांति के लिए याचना करते हैं। दूरगामी ट्रेनों की स्लीपर बोगियों में आरक्षण उपलब्ध नहीं होने से ईद के मौके पर लौट रहे लोगों को हो रही है काफी परेशानी। प्रदेश में रोजी रोटी के लिए रोजगार से जुड़े लोग महत्वपूर्ण त्योहार ईद मनाने अपने परिवार के पास नगर व गांव पहुंचे तो मगर अब ईद की समाप्ति के उपरांत वह अपनी रोजगार पर पहुंचने कैसे जाए, यह समस्या बन गई है। समस्या यह है कि आरक्षण को लेकर उनके सामने खड़ी है। दरभंगा से महानगर की ओर जाने वाली दुर्गामी गाड़ियों में विशेष रूप से स्लीपर में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आरक्षण उपलब्ध नहीं है। किसी किसी ट्रेन में तो भीड़ गाड़ी चलता है, अब एक तो वो तो नहीं है कि सीट बुक हो गया तो बैठ के चलेंगे, अब किस किस को हटाएं सीट पर से, अब गर्मी है तो परेशानी झेल कर खड़ा होकर जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये आप ईद से पहले आए थे, अगर आप समय पे नहीं जाते हैं तो क्या होगा, आपका काम छूट सकता है जी? हमारा बहुत मुसीबत है, इसलिए हमने टिकट बुक करवाया था, एक तो वो कन्फर्म नहीं हुआ, हमारा काम रुक गया, इसलिए हम थोड़ा लोकल में जाना पड़ रहा है। REC की उपलब्धता मौजूद है, अपने परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों के लिए RC टिकट लेकर चलना असुविधाजनक महसूस हो रहा है। ऐसे में वह कैसे अपने रोजगार तक पहुंच पाएंगे, यह समस्या उनके सामने खड़ी है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति, वही स्वतंत्रता सेनानी, शहीद सरयू यमुना आदि ट्रेनों में स्लीपर में आरक्षण बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। वही मुंबई व बेंगलोर जाने वाले पवन एवं बागमती एक्सप्रेस में भी आरक्षण की स्थिति और भी चिंताजनक है। तत्काल आरक्षण का आलम यह है कि आरक्षण केंद्र पर नियमित रूप से 3 से 4 काउंटर चलाए जाते हैं। मुंबई जाने वाले यात्रियों में मुश्किल से 1 या 2 आरक्षण तत्काल में उपलब्ध हो पा रहा है, उनके उपरांत वेटिंग आ रहा है। नई दिल्ली व अन्य शहरों की ओर जाने वाली गाड़ियों में तत्काल 24 घंटे टिकट उपलब्ध हो रहा है। इन सभी आंकड़ों पर ध्यान देने के बाद ईद बनाकर लौटने वाले रोजगारों से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनों में आरक्षण की उपलब्धता विकराल समस्या बनकर खड़ी हो गई है। नहीं, अभी तो ईद समाप्त होने के बाद जो भीड़ हुई थी, इन जितना भी भीड़ हुआ उसमें हमारा रिकमेंडेशन हो रहा है, और कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही है दिल्ली के लिए जैसे, तो उस गाड़ी से भी क्लियर हो रहा है रस हमारा। मंगलवार और शुक्रवार को 2 ट्रेन स्पेशल चलती है, तो उससे भी हमारा भीड़ क्लियर हो रहा है। तो समर सीजन के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाते हैं जो एक्स्ट्रा रस को क्लियर किया जाए, और चूँकि गर्मी छुट्टी भी उसी सीज़न में होता है तो लोग आना जाना कुछ ज़्यादा रहता है, तो उसको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चला के क्लियर किया जाता है। साथ साथ इधर अमृतसर का कुछ ट्रैफिक बढ़ गया था बीच में हमारे पंजाब में जाने वाले लोगों का, तो उसमें हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन करके भी चलाया अमृतसर के लिए, जिससे कि यात्रियों की भीड़ क्लियर हो सके। पटना के बोरिंग रोड हॉलीडे होटल PLD संस्था एवं चरखा की संस्था के संयुक्त रूप से सेक्सुअल हरासमेंट एंड बगिंग प्लेस पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई जिलों के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता को दिल्ली से आए रचना शर्मा और अनिसुर रहमान ने संबोधित किया। वर्कशॉप का बहुत सिंपल सा उद्देश्य है इस कानून के बारे में, क्योंकि अभी मीडिया में भी कानून की जानकारी लोगों को नहीं है, तो जब जानकारी नहीं है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल उठाना या और चीजें करना वो अपने आप में मुश्किल है। सो मीडिया के लोगों को संवेदनशील बनाना, जागरूक करना और इस कानून की जानकारी उन तक पहुँचाना कि ये कानून कहता क्या है, ताकि वो अपनी न्यूज में, अपने आर्टिकल में, अपने लेखन में इस इशू को बाहर निकाल कर लाए और लोगों तक पहुंचा सके। ये हमारा न्यूज 2 तरह से बनती है, एक तो आपने जो कहा आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहती हैं वो न्यूज, आज जो आपने किया ये न्यूज बनेगी, लेकिन अगर मुझे
जिन्होंने हमें बताया था लगभग 20 या 25 मई को मुझे फोन आया सर का कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक सब्जेक्ट है जिस पर पीएलडी जो है वो ये कर सेमिनार कर रही है, वर्कशॉप कर रही है दो दिन का। और तो हमने कहा ठीक है सर, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उसमें एक सब्जेक्ट था सेक्सुअल हरासमेंट, तो मैंने सोचा चलो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं जानूँ क्या इसमें है या फिर इसमें क्या कुछ नई चीज़ें हैं या क्या इसमें कानून है, लॉ क्या कह रहा है, उसको मैं जानने की कोशिश करने के लिए मैं इस वर्क सबसे जुड़ा हूँ। अच्छा सर, जुड़े हैं तो इसमें आज आपकी जो पहली ट्रेनिंग है इसमें कुछ तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। हाँ, मुझे इसमें एक जानकारी ये प्राप्त हुई जो मुझे पहले आई थिंक नहीं पता था कि सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेस जो एक सब्जेक्ट था कि इसमें है क्या, मीन्स ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ लोगों को जानना ज़रूरी है या क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं जानते लोग जिनको अवेयरनेस करना चाहिए। तो ये पहले रोज के वर्कशॉप में कई सारी बातों पर ध्यान दिया गया और कई सारी बातें जानने का मौका मिला कि सेक्सुअल हरासमेंट असल में है क्या और अगर किसी के साथ ऐसा होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वो कहाँ और कैसे इस बात को उठा सकती है ताकि लोगों को पता चल सके और उसके न्याय मिल सके। अच्छा, सुने हैं सर कि मतलब वो ये जो मतलब काम वर्कशॉप के लिए मतलब दिल्ली से मैम आए हैं, क्या ये सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल, रचना मैम थी जो आई हुई थी, आई हैं और उनका भी एक बार मुझे कॉल आया था कि आप आ रहे हैं, तो हमने कहा था हाँ मैं इस सेमिनार में इस 2 डेज वर्कशॉप में मैं प्रेजेंट हूँ जी। अच्छा, ये वर्कशॉप कहाँ चल रही है सर पटना में? ये वर्कशॉप एग्जीक्यूटिव हॉलीडे कॉन्फ्रेंस रूम में चल रहा है जो पटना में अवस्थित है, बोरिंग रोड नॉर्थ कृष्णा कंपनी के बीस साइड में। अच्छा, ये जो मैम आई है हम दिल्ली से, जो अर्चना या रचना मैम बोले, रचना मैम जो दिल्ली से आया है, क्या आपको परफेक्टेड लग रही है ये जो आपको ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये क्या आपको कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, रचना मैम जितनी बातों पर इंडिकेट कर रही है, बिंदुवार समझा रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सारी बातों को सही तरीके से और एज अ पार्टिसिपेंट के हिसाब से मुझे ठीक लगा और ऐसा लगा कि हाँ ये बातें जाननी चाहिए और उन्होंने एक्सप्लेन भी बड़े अच्छे तरीके से किया है जी। अच्छा, जो रचना मैम मतलब वो अपने आधार से लोगों बैठे हुए थे, आए हुए लोग हैं, उनको काफ़ी विस्तार रूप से देखे कि समझाते हुए, क्या आपको क्या लग रहा है कि इनकी बातों को लोग ध्यान देंगे और समाज में यह बातें आ पाएंगी या नहीं? देखिए, इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अपनी दरभंगा जिले में कार्यरत सभी महिला पदाधिकारी एवं बलों का परेड कराया गया। अपराध नियंत्रण हेतु उत्साह एवं साहस प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया गया। दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार द्वारा इस टीम का नाम शेरनी रखा गया है। इसका कार्य स्कूल, कॉलेज तथा इंस्टीट्यूट जाने वाले छात्राओं को तथा सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा देना है। पदाधिकारी में कौन कौन चलाता है? एएसआई में? अच्छा, पहले एएसआई लोग हैं, पहले सिपाही लोग को चलाने दो ना। वाह। मधुबनी जिले के खुटौना पीएचसी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विजय मोहन केसरी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार झा अध्यक्षता में दस्त नियंत्रण पखवाड़ा परीक्षण का आयोजन किया गया।
दरभंगा जिले के जमालपुर स्थित वार्ड नंबर 31 में नेशनल फोरम फॉर पीपल्स राइट्स के तत्वाधान में विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा विस्थापित के अधिकार का जागरूकता अभियान चलाया गया। भाकपा माले जिला स्थायी समिति की विस्तारित बैठक पंडासराय स्थित माले जिला कार्यालय में जिला सचिव बैजनाथ की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि किसान के गेहूं खरीदने में नीतीश सरकार के विफलता के खिलाफ 23 जून को चक्का जाम किया जाएगा। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।